हेलो एवरीवन, दिस इज संजय। आज के स्टूडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्लास 11 का डायग्राम, वो भी टीथ का। अरेंजमेंट आप कैसे दिखा सकते हो और अच्छे मार्क्स पा सकते हो, तो आपको इस वीडियो में पूरा ज्ञान मिलने वाला। सो वीडियो को देखने के लिए आप पहले उससे भी पहले आप चैनल को जल्दी से जाकर नीचे सब्सक्राइब कर लो और साथ में बगल वाले बेल आइकन को भी जल्दी से क्लिक कर लो, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा ही ढेर सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे यू के अल्फ़ाबेट को बनाएंगे, और उसे कैसे बनाना है दोस्तों, आप देख रहे हो इस तरह से आपको फ्री हैंड बना लेना है। आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है दोस्तों कि ये अल्फ़ाबेट उल्टा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इस तरह से थोड़ा सा इसे डार्क कर लेंगे। मैंने आपको यहाँ पे दिखाने के लिए इसे थोड़ा सा डार्क कर दिया। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे एक दांत बना लेना है, ये इस तरह से कुछ दिखेगा। आपको सिंपली इसे बना के यहाँ पे मिला देना। अब यहाँ पे हम लोग इससे छोटा सा पतला और एक बनाएंगे और इसे इस तरह से ले जाके यहाँ पे मिला देंगे। देन आफ्टर दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे और एक बनाना है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा रहेगा और ये हार्ट के शेप से सिमिलर रहेगा। तो आपको यहाँ पे गैप नहीं देना, ध्यान में रखना कि गैप ना हो, और हो भी चाहे तो आपको ज़्यादा उसमें लगना नहीं है। आपको जल्दी जल्दी इसे बना के एग्ज़ाम में कम्प्लीट करना है। और ये स्टेप मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसे अगर आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस करके अप्लाई करते हो और एग्ज़ाम में बनाते हो तो बहुत जल्द बन जाएगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने खुद ये देखा है। और मेरा हमेशा से यही इरादा है कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि मैं और ढेर सारे वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से आपको ये शेप बना लेना है। धीरे धीरे ये छोटा सा मोटा होते जा रहा है जैसा कि आप देख ही रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना। और ये कम से कम 8 होगा, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इसे क्लियरली। अब मैं जो यहाँ पे डार्क इसलिए आपको बना के दिखाया था ताकि आपको ये दिखे कि कहाँ पे मैंने लाइन बनाया है। सो इसे मैं इरेज कर लूँ और आप इसे लाइट ही बनाना, ओके। अब इसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ से फोल्ड करना है, इसे थोड़ा सा यहाँ पे अंदर की ओर ले जाना, फिर बाहर की ओर, देन आफ्टर अंदर, एंड इसे यहाँ पर यू शेप में फिर से बना लेना है। तो आप इसे क्लियरली देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैरेलल है, उसी के बराबर में है। तो आपको यहाँ पे इसे बना के मिला देना है। अब आपको यहाँ पे इसके जो भी शेप थे उसके होल को बनाना है, और इस होल से पता चलेगा दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा दांत था। तो इसे भी हम लोग बनाएंगे। इससे बनाने के लिए आपको एक ट्रिक मैं चलिए यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपने ये देखा कि इस तरह से एक शेप बनाना है आपको, देन आफ्टर यहाँ पे आपको छोटा सा एक फोल्ड करना है, और नेक्स्ट वाले में इससे भी ज़्यादा फोल्ड करना है। चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा की जगह यहाँ पर थोड़ा और बड़ा फोल्ड करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर तीनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। देन आफ्टर हम लोग एक छोटा शेप बनाएँ, फिर बड़ा, और लास्ट में एक छोटा सा बनाएंगे। तो इस तरह से अगर आप इसे रिमेंबर करो तो ये 8 है, और यहाँ पे जो तिथ बनाने वाले हम लोग उसे भी आप देख ले अच्छे तरह से। इस तरह से ये दांत बनेंगे, तो आपको यहाँ पे इसका ये भी बना लेना जो इसके अंदर जाता होल में, ओके दोस्तों। तो देख रहे हो दोस्तों ये किस तरह से शेप में है, और उसी के शेप में ये होना भी चाहिए, तब आपको अच्छे तरह से मार्क्स भी मिलने वाला। तो इसे आप केयरफुली देखिए और थोड़ा सा सिर्फ याद रखें कि यार इस तरह से होता है दांत, ज़्यादा और नहीं कुछ आपको करना है यहाँ पे, और आपको इसे सिंपली बना लेना है। और बनाने के बाद दोस्तों अज यू नो कि अच्छा मार्क्स मिलेगा ही। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मुझे चाहिए दोस्तों और ढेर सारा रिस्पांस, क्योंकि मैं चाहता हूं और ढेर सारे वीडियोस मैं आपको बना के दूं। सिंपल सी बात है, जो दोस्तों जो भी क्वेश्चनिंग आता है वो मैं खुद मैनेज करता हूं, और वो मैं चाहता हूं कि अच्छे तरह से मैनेज हो पाए। तो अगर आप मुझे अच्छे तरह से सपोर्ट करोगे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इसी तरह से कंटेंट डिलीवर करते रहूँगा। आपको भी मालूम है दोस्तों कि एडिटर, उसके बाद डाटा, सारा कुछ इसमें मेंटेन होता है, तो सब कुछ का कॉस्ट उठाते हुए आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट वो भी टाइम में देना, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं पड़ जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे मैं सॉल्व करूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं इसे भी सॉल्व कर लूँ। तो यहाँ पे आपको नंबरिंग कर लेना दोस्तों, एंड देन आफ्टर इसे कंप्लीट कर लेना। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे लेबलिंग भी दिखाऊंगा, तो जिससे आप यूज़ करके अच्छे तरह से लेबल भी कर लें। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो ये 8 है, राइट, 8 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये 1 वाला है, ओके, यहाँ पर इसलिए हम लोग ये नंबरिंग दे देंगे ताकि समझ में आए कि कौन सा तिथ कौन वाला है। ये 3rd वाला है, ये 4th वाला है, और ये है 6।
तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हम लोगों ने इसे बना के कंप्लीट कर लिया, चलिए अब हम लोग इसे लेवलिंग कर लेते हैं। और आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी देन जल्दी से अभी जाके जल्दी से नीचे लाइक करो, अभी के अभी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन्हें भी हेल्प चाहिए आपकी। आई नो दोस्तों कि आप सोच रहे हो कि मेरे दोस्त का मार्क्स मेरे से ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि मार्क्स का वैल्यू धीरे धीरे खत्म होने वाला। सो जल्दी से अभी के अभी शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें अपने व्यूअर्स की आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ साथ में अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो जल्दी से जाकर नीचे सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, क्योंकि ऐसा ही ढेर सारे वीडियोस मैं आपको देने वाला। और हाँ, ध्यान रखना कि बगल वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि ऐसा ही अगर ढेर सारे वीडियोस आपको चाहिए तो वो तो प्रेस करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा वीडियोस भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।